जहाँ दीपावली में सब ऐश करता है घर में बैठ के, वहाँ है हम घूमते रहते हैं। बताइए, रात में मेरा ट्रेन है और इधर साइड अभी हम लोग चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे हैं। इधर वाला रास्ता पता है कहाँ जाएगा? दिल्ली। और इधर वाला जाएगा कहाँ? चंडीगढ़। और चलिए चलते हैं, अब क्या करें, ऐश किया जाएगा। अब ट्रेन में मेरा दिवाली मनेगा आज का। तो मित्र लोग अभी स्टेशन पे पहुंच गए हैं। पीछे देख रहे हो काफ़ी भीड़ है, जो गरीब गरीब लोग हैं बेचारे उन लोग भी अब जा रहे हैं अपना। और आज दीपावली है और इसके साथ साथ अपन लोग ट्रेन में ही दिवाली हमारा तो मनेगा, क्या कर सकते हैं, आपको तो पता ही है। जहाँ सबको यश करता है तो हमारे जैसा व्यक्ति घूमते रहता है। क्या किया जाएगा ज़िंदगी में, मेरे ट्रेन बस और रोड पे टेम्पू उम्पू ही है तो क्या कर सकते हैं। चलिए ट्रेन में बैठेगा, उससे पहले सबसे पहले तो भारतीय रेल को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि भारतीय रेल की वजह से मेरा जो स्लीपर से उसको थर्ड क्लास में मेरा पहुंचा दिया गया। बताइए है कि नहीं बढ़िया बात। और जहाँ तक बात किया जाए तो 475-80 रुपया था मेरा स्लीपर का दाम। उसके बाद स्लीपर से हम जा रहे हैं था मेरा, उसके बाद एसी में कन्वर्ट हो गया, कहाँ मेरा 1800-1900 रुपया लगता है एसी में जाने पे, और अभी हम 400 रुपये में पहुँच जाएंगे। कितना बढ़िया बात है हमारे लिए। चलिए हमारे साथ आनंद लेते रहिएगा ट्रेन में और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यार इतना मज़ेदार वीडियो कहाँ मिली दीपावली में ट्रेन में, ऐसा कीजिएगा मेरे साथ जो जो अकेले होगा। चलिए आनंद लेंगे हम लोग। तो मेरा ट्रेन आने में अब थोड़ा देर समय बाकी है और थोड़ा ही देर में मेरा ट्रेन आएगा, तब तक कहीं बैठते हैं। और यार पीठ दर्द करने लगा और पता नहीं इतना मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। दीपावली है, आप लोग को भी दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएँ और माता लक्ष्मी का कृपा सब पे बना रहे। सबके घर में माता लक्ष्मी का कृपा हो तभी तो समझ सकते हैं बाकी का धन राशि का ऐसे ही कमी रहता है, थोड़ा धन राशि का व्यवस्था उत्तम होते रहे, पता है ना आप लोगों। चलिए ट्रेन में अब बैठेंगे, थोड़ा आनंद उनंद लेंगे और उसके बाद सोएंगे। यहाँ से चंडीगढ़ से खुलेगा तो उसके बाद यही रुकता है, सुपर फास्ट है। छोड़ सब झोल झाल ट्रेन में मज़ा नहीं आता यार, एकदम धूक 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 धीरे धीरे चलते रहता है, आनंद नहीं आता है। सुपर फास्ट यहाँ से सीधे खुले तो सहारनपुर एकदम उत्तर प्रदेश में, वहाँ से उत्तराखंड रुड़की उड़की पहुँचेगा, उसके बाद मुरादाबाद बरेली होते हुए सीधे लखनऊ, मतलब सुबह 8 बजे तक पहुँचा देगा मेरे को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा रेस्ट किया जाए, उससे पहले एक वाटर बोतल ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि प्यास काफ़ी लग रहा है, बहुत बोल लिए भी और उतना दूर से आ गए हैं तो समझ सकते हैं मेरा बात को। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। लीची का जूस 10 रुपया गिलास। इन लोग को भी दिवाली मना रहे हैं बेचारे, इन लोग हमेशा यहीं पर रहते हैं इन लोग। वाटर बोतल है, रेल नीर 15 रुपया। चलिए अब यहाँ पे जूस पिया जाए थोड़ा सा। सेव लिए हम लोग, सेव सेव का जूस ही नहीं लग रहा, लग रहा है कोको कोला पी रहे हैं, देख रहे हैं। खाली सेव का थोड़ा थोड़ा खुशबू आ रहा है। क्या कर सकते हैं ससुरा, कौन एंगल से सेव का जूस लग रहा है? ये लग रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पेप्सी है, ना एंगल ऑफ एलिवेशन ना एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन किधर से भी नहीं लग रहा है कि सेव है। कैसे सेव इसको बोलोगे, सेव का जूस हमको समझ ही नहीं आ रहा है। देखा IRCTC को क्या गर्जस हो जाया है, अपना दुकान आज, वाह। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हैं भोजनालय और क्या है रिफ्रेशमेंट रूम। ओ हो, MSRK फूड प्रोडक्ट्स, IRCTC का पार्टनर्स, क्या बात है भाई। आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रहा है ट्रेन, मेरा 3 पे लिख रहा था कि 1 पे 3 पे आएगा, लेकिन आप तो 1 पे आ रहा है यार, जल्दी से 1 पे चलना पड़ेगा। ओ हो, जल्दी जल्दी। चौंसठ 62
64 इधर। सबसे पहले तो एसी वाला में ही फायदा होता है ना कि आवाज़ नहीं आता है, तो हम केवल हिलते रहिएगा ऐसे ऐसे, जो धड़धड़ धड़धड़ का आवाज़ है वो नहीं आता है। और एक बढ़िया व्यवस्था ठीक ठाक है, बाथरूम वाथरूम साफ रहेगा, बोगी साफ है एकदम, सीट है अभी एकदम साफ है, शांति है, चल रहा है एसी तो गर्मी, मतलब ठंडा का समय है तो गर्मी का थोड़ा बहुत आपको व्यवस्था मिल जाएगा, और ठंडा में गर्मी, गर्मी में ठंडा, और साफ सुथरा रहता है, आपको ये सब देखने को मिलता है। ये एसी वाले में ही आपको बढ़िया व्यवस्था है कि आपको साफ सफाई मिल जाएगा, बाकी तो ट्रेन का जो आनंद है आपको तो पता ही है। और भारतीय रेल का शुक्रगुजार कि हमारा स्लीपर वाला टिकट को एसी में कन्वर्ट कर दिया भेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जैसा गरीब का दुख समझने के लिए। चलिए अब सुबह तक का सफ़र रहेगा हमारा, देखते हैं कब पहुँचते हैं, वैसे 8 बजे सुबह तक टाइम है तो 8 बजे तक पहुँच जाएंगे लगभग। रात को 10 बज गया तब सब सो रहे हैं, और देख सकते हैं एसी वाला में भी इधर व्यवस्था आपको सब देखने को मिलेगा, शीशा लगा रहता है दरवाजे की तरफ और इधर से हवा हुआ नहीं आता है, और सामने में सब कंबल उम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। अब कंबल उम्बल एसी वाले में नहीं मिल रहा ना कोरोना वायरस के चलते, नहीं तो पहले मिलता था, और देख सकते एकदम शांति है शांति। एसी के बाथरूमों साफ सुथरा रहेगा ठीक ठाक बात, कहें कि स्लीपर में भी बायो टॉयलेट अब आने लगा है, और जनरल का तो पता ही है क्या हाल होता है यार, महकते रहता है, स्लीपर भी उतना कोनो खास नहीं रहता है, वो भी महकते रहता है। हाँ इसमें थोड़ा व्यवस्था व्यवस्था देख रहे हैं, साफ सुथरा है, यहाँ पे पंखा भी लगाया हुआ है, बताइए शौचालय में पंखा लगाया हुआ है और क्या चाहिए, साफ सुथरा है ठीक है, अब इतना क्या चाहिए, इतना में देता है उतना मिली ले हवा होता, वाह एगो में एसी लगावल बा रे, वाह क्या बात है भाई, शौचालय में भी एसी लगा हुआ है, और काफ़ी डिजाइन इसमें आप अपने आप को निहार सकते हैं, वॉशिंग ये क्या बोलते हैं यहाँ पे बेसिंग भी है, सैनिटाइजर का दे दो, सैनिटाइजर है नहीं इसमें, भाई ठीक ठाक बाथरूम है, देख रहे हो भाई एसी वाला में दरवाज़ा रहता है, ये वाला रहता है बंद हो जाता है, इसके बाद इधर का आवाज़ उवाज नहीं आएगा, एकदम शांत, बस हिलने का आवाज़ आएगा, बस हिलोगे और कुछ नहीं, धड़धड़ धड़धड़ उतना आवाज़ नहीं आता है, और लाइट वाइट भी काफ़ी व्यवस्था रहता है इधर, एसी का सब व्यवस्था रहता है, इसमें शीशा रहता है जिसमें आप अपना शक्ल निहार सकते हैं, और ये पूरा शीशा से पैक रहता है जिसमें आप, इसमें विंडो रहता है स्लीपर वलीपर में तो उधर से हवा हुआ आते रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, देख सकते हैं इधर दिवाली के समय में लोग घर उर सजाए हैं तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सा स्टेशन आया भाई, लाइट वाइट तो बंद कर दिए हैं अब, और अब सोने का व्यवस्था अपना देख सकते हैं, अब सुबह तक ऐसे ही रहा जी, अंधेरा में कुछ दिख रहा है नहीं ना, एसी वाला के फायदा बा बहुत सारा बताओ, अपनी जैसे गरीब आदमी के सब सफ़र के आनंद रोज़ रोज ना मिलेगा, यही ले हमने के स्लीपर में जानी जाए आज भेजले बार रेलवे तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब चलिए सुबह तक मिलते हैं आपसे। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से प्रवेश करेंगे फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में रुकेंगे, वहाँ भी एक दो दिन लगेगा मेरा, फिर उत्तर प्रदेश से अपन को जाना है बिहार में, तीन गो स्टेट मेरा बदल गया सर, यही में रहते रहता है, अब यहाँ से खुले चंडीगढ़ से खुला है तो सीधे अम्बाला कैंट, अम्बाला कैंट से सीधे जगाधरी यमुन नगर शायद रुकेगा, उसके बाद रुका उसके बाद फिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पहुँचे, उत्तर प्रदेश से फिर अब रुड़की आ जाएगा उत्तराखंड में, हरिद्वार जिले में आता है, अब रुड़की लश्कर और एक और जंक्शन है, उसके बाद फिर पहुँच जाएंगे हम लोग कहाँ, फिर उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, मुरादाबाद बरेली हरदोई तब जाके आएगा लखनऊ, लास्ट स्टेशन उसका यही है चंडीगढ़, लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम, देख रहे हैं एसी वाला बोगी में है कुछ कुछ फ़ायदा है, बहुत कुछ फ़ायदा है, यहाँ पे आपको ठंडा नहीं लग रहा है, बताइए ठंडा के समय में ठंडा नहीं लग रहा है, लाइट वाइट भी व्यवस्था काफ़ी बन गया है, सीट भी एकदम साफ सुथरा है, बाथरूम भी आपको दिखाई भी किए थे ना,
भाई सब मिल जाता है। मेरा सफर ख़त्म नहीं होता है, शाम को कहीं और तो सुबह में कहीं और रहते हैं। और अभी मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ जंक्शन पे, तो यहां पे भी कब अब शाम तक 7-8 बजे तक रहना है और उसके बाद फिर तुरंत निकलना है और फिर निकलना है। 9 बजे से ट्रेन है तो मेरा चलते रहता है। और देखिए क्या हुआ था कि सो नहीं पाए थे, क्या हुआ था ना कि ये दिक्कत हो गया था कि एक आदमी था ना, वो बेचारा बात कर रहा था, उनके शायद पत्नी का देहांत हो गया था जिसकी वजह से सो नहीं पाए थे। 1-2 बजे के बाद सोए थे और उनकी पत्नी कहीं गई थी, जैसे किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने बड़े दीदी के यहाँ जाए कहीं और। लेकिन क्या हुआ था ना कि वहाँ पे उनका डेथ हो गया और बहुत लोग उनका अंतिम संस्कार रात में कर दिए, दिवाली वाली ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो सुन नहीं हम। बताइए आज के ज़माने में अपने जो रिश्तेदार है, खासकर जो अपना है ना, उस पर तो भरोसा मत करिए, बहुत झोल होता है। यानी बेचारे को बताइए, सब दिवाली मना रहा है, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इतना दुख का बात उनके लिए है ना। चलिए अब तो हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं, अब थोड़ी देर और, मतलब अब 8 बजे तक रहेंगे लखनऊ में हम, उसके बाद फिर निकलेंगे।